वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 7098। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मणिपत में हूं सही राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि। आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिकअप उधर रीडिंग लेकर। ये ग्रुप रीडिंग नहीं है गाइस, पिकअप उधर रीडिंग है। इंटरेटिवली आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पर एक बुद्धा आइडल। और ये मैं रखती रहती हूँ इस तरीके की वीडियोस, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी इंट्यूशन और कितने अच्छे से काम करने लग गई है। और जिन लोगों ने ये बोला ना कि हमें ये वाला रीडिंग नहीं देखना है, हमें कंफ्यूजन होता है, बहुत मार लगाऊंगी, क्योंकि यही सब कुछ तो मैं करवा रही हूँ आपको। मेडिटेशन करवा रही हूँ, चक्रा हीलिंग करवा रही हूँ, ताकि आप इसमें बेहतर बन सकें। आप एक मुझे बात बताओ, यहाँ पर तो चलो मैं ग्रुप रख देती हूँ और आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ ये ग्रुप सिलेक्शन कर लिया, रीडिंग हमारी हो गई, हमें हमारा सवाल का जवाब हमें मिल गया। लाइफ के डिसीजन लेते वक्त क्या करोगे, एंजल से कहोगे कि हमें ग्रुप ला के दे दो? ऐसा नहीं होता ना बच्चे। इसलिए मैं इस तरीके की रीडिंग्स रखती हूँ। आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है पाइल, यहाँ पर बुद्धा सिलेक्शन करना है और उसके बाद अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। सो गाइज, इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें जो मैं आपको बताऊँगी ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। जो होती है उनको रख लें, जो नहीं होती उनको जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, तो आपको मैं बता दूं कि ये फैमिली सभी के लिए है। यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं ये रीडिंग्स देख सकते हैं। सो गाइज, शुरू करेंगे आज की हम ये रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, आज बहुत आवाज़ें आ रही हैं। एक्चुअली रक्षाबंधन है और लोग इधर उधर भाई बहन सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, दूर दूर रहते हैं तो मिलने जा रहे हैं, तो बड़ी आवाज़ें आ रही हैं सवारियों की। तो जिन्होंने ये बुद्धा आइडल सेलेक्ट किया है, तो उनके लिए मैं कार्ड्स रीड करूंगी और यहाँ पर देखूंगी कि आपको लेकर, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और जो थर्ड पार्टी है उनको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं एक यहाँ से कार्ड निकालूंगी। सॉरी गाइस, एक ओरेकल यहाँ से मैं निकालने वाली हूँ सबसे पहले, और उसके बाद फिर कार्ड्स देखेंगे। ओके, हेल्पफुल पीपल, ऑल राइट। ब्रोकन हार्ट, ओके गाइस। तो यहां से जो भी मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स, मैं दो कार्ड्स निकालना चाहती थी ये जानने के लिए कि क्या कुछ एनर्जी है आपकी, क्या कुछ एनर्जी चल रही है उनकी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, एंड इस कनेक्शन की क्या एनर्जी चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दो कार्ड्स देखकर ही पता चल रहा है कि हाँ, या तो रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, भले ही वो पहले से मैरिड हों, ठीक है, तो या फिर हो सकता है अभी उनकी इंगेजमेंट या शादी वगैरह का कुछ बात हुआ हो, या फिर हो गई हो शादी या इंगेजमेंट, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पहले आप पेन में नहीं थे, लेकिन आई फील कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा पेन में आ गए हो, ओके। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जिनको आप पसंद करते हो उनका साथ पाने के लिए आपने कुछ लोगों की हेल्प ली हो, जैसे कुछ हीलिंग सेशन वगैरह, या किसी फ्रेंड की मदद या फैमिली मेंबर्स की मदद ली हो, ठीक है। कोशिश आपने करी हो अभी हाल फिलहाल में, हालांकि मुझे ऐसे लगता है कनेक्शन काफ़ी पुराना है और आप ऑलमोस्ट इसको लेट गो कर चुके थे, लेकिन फिर भी आपको ये लगा कि एक आखिर मौका और खुद को देते हैं, ठीक है, या यूनिवर्स को देते हैं कि लेट्स सी यूनिवर्स क्या करेगी। और वहाँ से फिर से आपको कुछ ना कुछ निगेटिव ही सुनने को मिला, इसीलिए यहाँ पर ब्रोकन हार्ट एंड हेल्पफुल पीपल है कि कहीं ना कहीं हर तरफ से, हर जगह से आपने हेल्प लेने की कोशिश करी, लोगों ने आपकी हेल्प करी भी, लेकिन फाइनली आपको ये लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, आई थिंक कुछ नहीं हो सकता,
ठीक है। इन दोनों कार्ड्स का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आपको ऐसे लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जो कि आपको हील करें, लाइक जो एंजल्स की तरह हैं, ठीक है, जो गुरु की तरह हैं। तो आप ऐसे लोगों से मिलें और ख़ुद की हीलिंग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है आपको। ओके, तो अब ज़रूरत है कि जैसे देखो ये ब्रोकन हार्ट है, किस तरीके से दरार पड़ी हुई है, तो ज़रूरत है कि भाई आप इसको फिक्स करें, क्योंकि जब आप इसको फिक्स करेंगे तभी चीज़ों में सुधार होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए सबसे पहला। अब हम देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या हैं थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लेकर। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए और फिर निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए, एंड देन देखेंगे कि उनके साथ में क्या आउटकम आ रहा है इनका और आपके साथ में क्या आउटकम आ रहा है इनका। ओके, सो ये कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके लिए और अभी मैं कार्ड्स निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, एक साथ ही निकालती हूँ। आई फील के मैरिड ही हैं ये, या फिर रिसेंटली शादी वगैरह कुछ हुआ है। डेथ का भी कार्ड आ रहा है, सो कि मैं नहीं ले रही हूँ, आना होगा तो आएगा। ओके गाइस, तो लेट्स सी क्या है कार्ड्स आपके लिए। मैं यहाँ पर इनको रख रही हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा ऊपर करना है। और क्या है थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स, तो आपके लिए सबसे पहले देख लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी के लिए भी देखती हूँ और फिर बताती हूँ। किंग ऑफ वॉन्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो ये, पहले थोड़ा सा पास्ट का बताती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई थिंक उनका कोई रिश्ता विश्ता आया था, मतलब आपके फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, अरेंज मैरिज के जैसा ही, कि भाई लड़के से मिल लो, बात कर लो और देखो अगर बनती है तो शादी कर लेते हैं। ठीक है, और आई थिंक आपकी फ्रेंडशिप भी इनके साथ रही काफ़ी दिनों तक, हो सकता है पूरा एक साल फ्रेंडशिप रही हो या दो साल रही हो। आप लोगों ने इन्जॉय भी किया एक दूसरे के साथ में, चैटिंग वैटिंग भी चलती रहती थी। ठीक है, आप ग्रो भी कर रहे थे, खुश भी थे, ये भी ग्रो कर रहे थे, और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ फाइनली शादी होनी ही होनी है। बट आई थिंक कि उसी दौरान जैसे आपके लिए रिश्ता देखा गया, वैसे ही इनके लिए कोई और, या तो इनकी कोई फ्रेंड थी या था, जो भी है, जनरलिस्ट रीडिंग है, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे ले लेना। या तो इनकी कोई फ्रेंड थी स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से, वो वापस आ गई, ठीक है, या फिर इनके लिए रिश्ता ही कोई देख दिया गया। कुछ तो यहाँ पर ज़रूर हुआ है कि जिस तरीके से ये आपके साथ में घुल मिलकर रहते थे, वैसे ही उनके साथ में घुल मिलकर रहने लग गए। अब या तो इनकी शादी उनके साथ हो गई है या फिर फिक्स हुई है, ठीक है, या फिर सिर्फ मतलब कमिटेड है, कुछ यहाँ पर ज़रूर है। अगर ऑलरेडी ये मैरिड हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने सच आपसे छिपाया, ये आपके साथ में कनेक्शन में बने रहे और इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये मैरिड है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने दिखाया कि ये थोड़े से फ्लर्टी टाइप हैं और सभी से हंस बोलकर बात करते हैं, और आपको ये लगा होगा कि ये तो, अरे ये इतने सीक्रेटिव नहीं हो सकते, ये तो खुलकर ही बात करते हैं, ये वैसे थोड़ी है जो बातें छिपाएं ये वो। ठीक है, लेकिन सच कुछ और ही था और वो शायद आपको बाद में पता चला। अब अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं कि इनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या है और इनको थर्ड पार्टी को लेकर फीलिंग्स क्या है, तो थर्ड पार्टी के साथ में गाइज हो सकता है थोड़ा आपको बुरा लगे, लेकिन इनको लगता है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो इनके भाग्य में है, उन्हीं के साथ में इनका कनेक्शन होना था, वो जो कनेक्शन है वो डेस्टिन्ड है। ठीक है, इनको ये लगता है, आपके साथ में डेस्टिन्ड कनेक्शन नहीं लगता, उनके साथ में डेस्टिन्ड लगता है। ओके, उनके साथ में इनको फ्यूचर दिखता है, इनको लगता है फ्यूचर उनके साथ है।
क्यों? क्योंकि जिनके साथ में ये डील कर रहे हैं, शायद उनके साथ में रहने के लिए उनकी फैमिली भी एग्री करती है, उनके फ्रेंड्स भी एग्री करते हैं, और शायद उनके साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और एक चीज़ कि आपके साथ में आई थिंक एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और उनके साथ में उनका मिलना जुलना होता रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कार्ड्स देखूँ तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके साथ में कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, आपके साथ में कनेक्शन रखना चाहते हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग आपके साथ भी है, लेकिन शादी वाला नहीं है, ठीक है, शादी वाला नहीं लगता। इनको अगर बिजनेस करना है, इनको अगर कुछ भी अच्छा करना है लाइफ में, तो ये आपसे मोटिवेट होते हैं, तो इसलिए ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। इनको आपको देख करना ऐसा लगता है कि किस तरीके से आपने लाइफ में स्ट्रगल किया, किस तरीके से आप इतना आगे बढ़े हो, आपने इतना सब कुछ अचीव किया, तो आपको देख करना ये एक तरीके से बूस्ट होते रहते हैं, ठीक है, मोटिवेट होते रहते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, तो ये आपको खोना नहीं चाहते। एज अ फ्रेंड ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन शादी की अगर बात आए तो थर्ड पार्टी के साथ ये सोचते हैं। इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए क्योंकि फैमिली भी एग्री है, क्योंकि इनको लगता है अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इनको लगता है कि उनके साथ में एक अजीब सी बॉन्डिंग है, ठीक है, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अगर ये मैरिड हैं, पहले से ही मैरिड हैं, तो भी मैं बता दूं कि यहाँ पर जो प्यार वाली चीज़ होती है वो नहीं है, लेकिन हाँ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जैसे बचपन के फ्रेंड्स के साथ होती है ना वो चीज़, ठीक है, रोमांटिक नहीं है, रोमांस वाला कुछ नहीं है, लेकिन बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि उनकी, अगर ये आपको बोलते हैं कि भाई उनसे हमें कोई प्यार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम तो बहुत दुखी हैं, तो ये गलत है। दुखी वुखी कुछ नहीं है, ठीक है, अभी तक तो नहीं दिख रहा मुझे कि दुखी हैं। ये है कि चल रहा है दोनों तरफ से इनका, ठीक है, ऐसा है सिचुएशन यहाँ पर। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आउटकम क्या होगा। होशियार रहें, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होंगे, और आप अपने मतलब आपके लिए क्या सही है उस आधार पर फैसला लीजिएगा, ना कि इस आधार पर कि ये आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है, याद रख लो ये चीज़। देख लेते हैं कि आपके साथ में फ्यूचर क्या है और जो थर्ड पार्टी है उनके साथ में फ्यूचर क्या है। मैजिशियन, टेन ऑफ वांड्स, जस्टिस। ओके, सो थर्ड पार्टी जो भी है उनके साथ में इनका लंबा नहीं चलने वाला, ठीक है, कोई ना कोई या तो केस वगैरह चलने लग गया होगा, हो सकता है, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि अभी हाल फिलहाल में कुछ भी है, बढ़िया चल रहा है इनका, लेकिन इन फ्यूचर आई फील कि हाँ कुछ डिवोर्स वगैरह का चलेगा मामला यहाँ पर, अगर मैरिड है तो। अनमैरिड हैं, इंगेज्ड हैं, तो भी समझ जाओ कि सेपरेशन है, और कमिटेड हैं तब भी सेपरेशन है, और वो भी उस थर्ड पार्टी की, मतलब जो इनकी लाइफ में है उनकी वजह से। ये कुछ नहीं करने वाले, वही करेगी जो करेगी या करेगा, ठीक है, उनका जो ये जो नेचर है ना कंट्रोल रखने का, कंट्रोल पाने का, बस इसकी वजह से कनेक्शन खत्म हो जाएगा इन फ्यूचर। और आपके साथ में क्या होगा, आपके साथ में इनका एक साइकिल चल रहा है जो कि एंड होगा और फिर से एक नई शुरुआत होगी, बट ये होगा सिर्फ तब जब आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। अब मैनिफेस्ट आपको क्या करना है, आपको ये मैनिफेस्ट नहीं करना कि इनकी लाइफ उथल पुथल हो जाए या थर्ड पार्टी चली जाए, नहीं, आपको मैनिफेस्ट ये करना है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आपका ट्रू लव आपको मिल जाए, ये आपके ट्रू लव हैं आपको मिल जाएंगे, आपको किसी का नाम वाम नहीं लेना कि ये मिले वो मिले, ठीक है, ये नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ ये प्रे करना है, ये मैनिफेस्ट करना है कि मेरी लाइफ में ये जो साइकिल्स चल रहे हैं भाई इनका एंड हो, बहुत हो गया, और जो मेरा ट्रू लव है वो मुझे मिल जाए, दैट्स इट। देखो द वर्ल्ड, एक साइकिल एंड होना है और उसके बाद सब कुछ अच्छा है आपके लिए। एक कार्ड और देख लेती हूँ फॉर गाइडेंस, एंड बस ये रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। सो लेट्स सी क्या गाइडेंस आपके लिए है। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, बहुत कुछ आपने अचीव भी किया है मैनिफेस्टेशन से, बट कहीं ना कहीं लो आपको मैं देख रही हूँ, लो एनर्जी में आ जाते हो। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ब्रिंग अ जेंटल टच, ये भी वैसा ही है, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है,
कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बताते रहते हैं, साइंस देते रहते हैं, लेकिन शायद आपका फोकस नहीं आ पाता। अब देखो मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि ये बंदा थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको हैंडल करने के लिए अगर आप बहुत ही सख्ती करते हो, फाइट करते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो, ये निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो कनेक्शन खत्म हो रहा है ना, वो भी इसी वजह से ही खत्म हो रहा है क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात करना पसंद है, कंट्रोल में लेना पसंद है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसी की वजह से ये कनेक्शन ये खत्म कर देगा बंदा, ठीक है। अब अगर इसी मोड पर आप चले जाते हो तो ये आपके साथ में कनेक्शन खत्म कर देगा, या फिर आपके साथ में इन एंड आउट ये होता रहेगा, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि जब भी अगर आप चाहते हो कि इनके साथ में आपका फ्यूचर बने, तो जब भी बात हो तो बहुत ही सीधे साधे प्यारे ढंग से इनसे बात करें, कोई फाइट नहीं करनी, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। अगर आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए, आपको लगता है कि आप अटके हुए हैं और ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, बड़े ही प्यार से कह दो कि देखो मुझे ऐसा कनेक्शन पसंद नहीं, मैं इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहती। जब आपका फैसला हो जाए तो आप आ जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका फैसला नहीं होता और आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस मेरी सोच अलग है, ठीक है। बड़े ही धीरे और प्यार से इनको ये समझा देना है, बीच का रास्ता निकालना है, ठीक है, ना फाइट करनी है ना बहुत ज़्यादा प्यार करना है, बीच का रास्ता निकालो सीधा साधा और आगे बढ़ जाओ। ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं, अगेन एंजल्स आपको बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, ठीक है। मेरा काम सिर्फ आपको कार्ड समझाना है और कुछ नहीं। सो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना ख्याल रखें। फिर से आऊँगी एक नया वीडियो लेकर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुध आइडल सेलेक्ट किया है तो अब मैं उनके लिए कार्ड्स रीड करने वाली हूँ। पहले मैं लूँगी एक ओरेकल कार्ड और उसके बाद फिर टैरो कार्ड देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए मैसेज यहाँ से, और फिर देखेंगे आपके लिए, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। यहाँ पर आया है नॉट द राइट टाइम आपके लिए, ओके। अब यहाँ से मुझे एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी चाहिए। थिंकिंग मैन, ओके। सो देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं ये दोनों कार्ड्स देखूं, अगर मैं ना भी बताऊं तब भी आपको समझ आ जाएगा कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कनेक्शन आपको क्यों मिला, मिलने की वजह क्या है, ठीक है, या अभी आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, उसकी वजह क्या है, मुझे कोई जवाब दे दे, कौन देगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी ये सब कुछ मत करो क्योंकि ये सही समय नहीं है, किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो उनके लिए भी यही एक्चुअली आ रहा है गाइडेंस कि अभी इसके बारे में ना सोचें, दिस नॉट द राइट टाइम, ठीक है। बट मैं आपको ही बोलूँगी क्योंकि आप मेरा ये चैनल देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो सीधा मैसेज आपको ही जाता है। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि बेहतर होगा थोड़ा रेस्ट करो, रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन की एनर्जी में जाओ, खुद को थोड़ा टाइम दो और इस सब के बारे में कम से कम सोचो, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके लिए इनकी अभी करंट थॉट्स क्या हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, और फिर देखेंगे कि थर्ड पार्टी को लेकर उनके क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं, आउटकम क्या है और गाइडेंस क्या है। सो लेट्स सी, ये कार्ड्स आपके लिए हैं और देखूंगी थर्ड पार्टी के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स हैं नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर।
थर्ड पार्टी के लिए है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये पाइल वन में भी आया था ये वाला कार्ड, और यहाँ पर भी आया है। सो अगेन आई एम फीलिंग कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हों। पहले पाइल में भी ऐसा ही आया था और यहाँ पर भी आया था। ज़रूरी नहीं है कि मैरिड हो, लेकिन हाँ एक मेजर एनर्जी आ जाती है, तो हो सकता है मैरिड हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपके साथ में तो इनका सेपरेशन चल रहा है, दिख ही रहा है, और ऑलमोस्ट 1 से 2 महीना हो गया होगा, या फिर 5 महीने, या फिर हो सकता है 1 साल हो गया हो। जिनके साथ में ये डील कर रहे हैं आपके पार्टनर, हो सकता है वो डॉक्टर या डेंटिस्ट हों, इनको वर्क प्लेस पर मिले हों, जिनके साथ में डील कर रहे हैं, ठीक है, मिली हों या मिले हों। ओके, थोड़ा सा मैं पास्ट का बताना चाहूँगी, उससे आपको समझ आएगा कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। सो पास्ट में तो मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत ही सुंदर था। एक तरीके से जब आप लोग एक दूसरे से मिले होंगे तो आपको लगा होगा कि ये वही है जिनके साथ में आपको रहना है, आपको अपना लाइफ पार्टनर इनको बनाना है, और इनको भी ये लगा कि हाँ इन्हें आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, ठीक है। बट सेपरेशन हुआ, और वो भी ऐसा हुआ कि इन्होंने आपको गोस्ट किया, बिल्कुल भी नहीं बताया कि क्या कुछ चल रहा है, क्या नहीं इनकी लाइफ में, या ये अगर आपको छोड़कर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया। अचानक से सब कुछ हुआ, ठीक है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। एक पहाड़ सा टूट पड़ा कि अभी तो कल तक तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, हम मिलने भी गए, सब कुछ बड़ा नॉर्मल था, और अचानक से ये हो गया, ये क्या हुआ भाई, ठीक है। ये हुआ होगा आपके साथ में, आपके कनेक्शन में। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी आपके अलग होने के कम से कम 5 साल बाद आई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेपरेशन आपका हुआ, सेपरेशन होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते रहे, ठीक है, इनको आपकी याद भी आई, बहुत कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, कई बार फाइट हो जाती होगी, नहीं चाहते होंगे फिर भी हो जाती होगी, जब भी ये मिलने की कोशिश करते होंगे, जबकि लगता होगा कि हाँ थोड़ा सा बात करके ठीक कर सकते हैं, या थोड़ा अच्छा टाइम आया है, शायद वापस से चीज़ें ठीक हो जाएँ, वैसे ही और ज़्यादा फाइट हो जाया करती होगी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या कुछ भी थर्ड पार्टी मतलब फ्रेंड्स की वजह से, या फैमिली की वजह से, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और फिर धीरे धीरे करके रिश्ता खत्म होता चला गया। तो सेपरेशन के 5 साल बाद ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है, और ये थर्ड पार्टी इनकी मॉम की तरफ से लाई गई है, ठीक है, जिनके साथ में या तो इनकी शादी हुई है, इंगेजमेंट हुई है, या फिर हो सकता है कि इनकी बात बात चलती हो इनसे, या ये दोनों वर्क प्लेस पर मिले हों, या एक ही जैसा दोनों का प्रोफेशन जो है सेम हो। लेकिन हाँ, ये थर्ड पार्टी आई तो फैमिली की तरफ से, स्पेशली इनकी मॉम या इनकी सिस्टर की तरफ से, ठीक है। इनको फोर्स किया गया कि भाई उनसे बात करो, उनके साथ में आपको कनेक्शन आगे बनाना है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आपको यहाँ से मिलेगी, ये चीज़ें इनको बोली गई। इनको बोला गया कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकली सोचना है, लाइफ जो है इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर हमें लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, डिसीजंस लेने चाहिए, और वही हुआ आगे, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं करेंट फीलिंग्स की बात करूँ, तो आपके लिए तो इनकी करेंट फीलिंग्स ये हैं कि हालांकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको गोस्ट किया, ओके, आई फील कि इन्होंने आपको गोस्ट किया, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि आप इनको छोड़कर चले गए हो, मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। अब आपकी जो विशेज़ हैं वो बदल चुकी हैं, हो सकता है कभी आप दोनों की बात हुआ करती हो, या कभी हुई हो तो आपने कहा हो कि आपके साथ रहना ही मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं आपके साथ रहूं, और आपके साथ में हमारी फ्रेंडशिप है वो लंबे समय तक चले, या फिर आपके साथ में मैं कमिटेड हूँ, या फिर हमारी शादी हो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, हो सकता है आपने बोला हो। अभी इनको ऐसे लग रहा है कि आपकी विशेष जो हैं बदल चुकी हैं, आप पूरी तरीके से इस कनेक्शन से बाहर आ चुके हो। करंट फीलिंग्स अगर थर्ड पार्टी को लेकर देखें, तो थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से इन पर अपना कब्जा बनाकर बैठी हुई हैं, या बैठे हुए हैं, इनको ना तो इनकी मर्ज़ी से कुछ करने देते हैं, और ना ही इनकी मर्ज़ी से इनको जीने देते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से कर्मफल हो गया जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, इनको कर्मफल मिला है। हालांकि मैं पूरी तरीके से इनके लिए कह भी नहीं सकती कि इनको कर्मफल मिला है, क्योंकि इनकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो ये मुझे एक बच्चे के समान लग रहे हैं, जैसे इनको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, इनको किसी ने ये समझा दिया, जैसे मैंने बोला ना कि इनको बोल दिया कि भाई प्रैक्टिकल होकर लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए, तो इन्होंने कहा हाँ प्रैक्टिकली होना है और बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है
ठीक है, तो प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल होना है। अब किसी ने इनको पेड़ के बाद साथ में अगर सात फेरे करवा दिए ना, तो ये वो भी कर लेंगे। इनका वो हाल है, अपनी कोई सोच नहीं है, जिसने जो समझा दिया वो समझ लिया। ठीक है, तो वो चीज़ इनके साथ में है। लेकिन वही चीज़ है, मैं इसीलिए लोगों से कहती हूँ कि इतना ज़्यादा किसी पर निर्भर करना या अपनी लाइफ के डिसीजंस आप कब नहीं लेते, जब आप कंफ्यूज होते हो या जब आपको लगता है वो नहीं पाएगा, है ना। और ये कब लगता है, जब आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती, यही चीज़ होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ इंट्यूशन पर वर्क करो। तो इनके साथ भी वही है, इनकी इंट्यूशन काम नहीं करी, ये दूसरों पर निर्भर रहे। जिन पर निर्भर रहे उन्होंने अपने तरीके से अपने हिसाब से इनको बताया कि किससे शादी करनी है, किससे नहीं, किसके साथ कमिटमेंट में आना है, किसके साथ में नहीं। और ये जिन्होंने भी किया, इन्होंने उनकी बात मान ली और इस कमिटमेंट में आ गए, या एंगेजमेंट हो गई या शादी हो गई। अब भुगतना इनको पड़ रहा है, वो सब तो साइड में हो जाएंगे, भुगतना इनको पड़ रहा है। ठीक है, ये हो जाता है, यही होता है आप अगर सही समय पर सही फैसला नहीं करते। तो करंट फीलिंग्स अभी तो यही है, हाल फिलहाल में आपकी तरफ से भी इनको लग रहा है कि कुछ नहीं बचा। अगर ये वापस आते हैं तब भी आप इनको एंट्री नहीं दोगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसे फंस चुके हैं, हर वक्त तो काम 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 ही कर रहे हैं, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है, कहा गया ना इनको कि स्टेबिलिटी मिलेगी, तो पैसा ही दिखा दिया गया, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसे पर ही सो लो, पैसा ही पहन लो, तो फिर पैसा ही कमाओगे, है ना। तो इमोशंस की तो कोई वैल्यू है नहीं। अब इनका दिल है बच्चों के जैसा, तो उसको उसकी तो कोई वैल्यू करी नहीं जा रही, तुमने भी नहीं करी, है ना। तुमने भी दूसरों की सुनी, तुमने भी नहीं करी, अब तुम्हारी भी नहीं हो रही, तो वो हाल हो रहा है यहाँ पर। पैसा कमाओ, पैसा लुटाओ और कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं कि आपके साथ में क्या है फ्यूचर इनका, और थर्ड पार्टी के साथ में क्या नज़र आता है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है स्टार सीड्स हैं आप, या फिर आपके पार्टनर भी स्टार सीड हो सकते हैं। कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि भाई दूसरों का भला हो, हाँ भला करें, अच्छा करें। ओके, ये लो टेन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर पता है गाइस क्या हो रहा है, आपको तो मैं देख रही हूँ कि आप धीरे धीरे करके हील कर रहे हो, और इन्होंने जो किया है, इन्होंने जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाया है, उससे कहीं ना कहीं आप तो ग्रो कर रहे हो और ज़्यादा मजबूत बनते जा रहे हो। आने वाले समय में इतने ज़्यादा मजबूत बन जाओगे कि ये आपकी लाइफ में रहें ना रहें तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप रीडिंग्स ही ऐसी नहीं देखोगे कि जिसमें आपको बताया जा रहा हो कि थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे आपकी तरफ, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम इनके लिए आ रही है, ये कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड हैं। इस कनेक्शन में ये अटके हुए हैं और इस कनेक्शन के लिए फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ठीक है, डिपेंड करता है फ्यूचर पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर मैं आपके लिए कहूँ, सी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके लिए डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपकी हीलिंग वर्क पर, ठीक है। अब हीलिंग वर्क पर कैसे डिपेंड करता है, आपने कई बार देखा होगा, ये आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी बंदे या बंदी को पूरी तरीके से लेट गो कर देते हो, छोड़ देते हो, तब वो वापस आ जाता है पलट कर। आपने एक्सपीरियंस करी है ये चीज़, चाहे आपके फ्रेंड्स को लेकर देख लो, चाहे आपके सपोज आप किसी कंपनी में जॉब पाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और फिर आपने सोचा कि छोड़ो मेहनत करना बंद करते हैं, कुछ नहीं हो सकता, तभी वहाँ से कॉल आ गया, ठीक है। या आप जिनको पसंद करते हैं, पहले मेहनत करते रहे करते रहे, उनके बारे में सोचते रहे, आप सोचते रहे कि ये आएगा या फिर नहीं, माफ़ी मांगेगा या फिर नहीं, और रिवेंजफुल एनर्जी में रहते हो, तब तक तो उसका कुछ होता नहीं, और जैसे ही आप सोचते हो अरे बहुत हुआ, हटाओ छोड़ो, अब जैसा है अच्छा है, मैं अपने राह चली चला, और वो अपने राह चली या चला, हटाओ छोड़ो, वैसे ही बंदा वापस आ जाता है, ठीक है। अब आपके साथ में मुझे यहाँ पर फ्यूचर दिखाई देता है, लेकिन तब जबकि आप इस एनर्जी में पहुंच जाओगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल डिटैच हो जाओगे इनसे। तो अगर आप डिटैच हो जाते हो तो आप इनके साथ में अपना फ्यूचर देख सकते हो, अगर आप डिटैच नहीं होते हो तो इनके साथ में आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। क्लियरली मैंने आपको बता दिया, आप जितना टाइम लगाओगे इनको फॉरगिव करने में उतना ही टाइम लगेगा इनको आने में। हो सकता है अगर ये मैरिड हैं, अगर ये मैरिड हैं तब तक इनकी फैमिली भी बन जाए, जो कि मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, इनके किड्स वगैरह हो सकते हैं आने वाले समय में। अगर ये मैरिड नहीं हैं तो ये इस कनेक्शन में अटके रहेंगे, ठीक है, इनकी इंगेजमेंट हो जाएगी और फिर ये कनेक्शन में ये अटके रहेंगे। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से हीलिंग वर्क नहीं किया तो हो सकता है इनके साथ में शादी हो जाए,
ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है आपको बुरा लगे सुनकर, लेकिन सच यही है, ठीक है? यस। हालांकि ये जो शादी होगी ये कार्मिक शादी होगी, ठीक है, ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पर 10 of Swords है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये शादी नहीं चलने वाली ज़्यादा दिनों तक। लेकिन बात वही है कि अगर ये शादी 2 साल तक भी चलती है तो 2 साल में आप क्या वहीं अटके रहोगे, ठीक है? आप पर फिर ये बात आ जाती है, अगर 2 साल के बाद इनका सेपरेशन होता है और ये वापस आपके पास आते हैं, सिचुएशन ऐसी ही बन जाएगी गाइस। अगर इनकी शादी हो जाती है तो वो 1 से 2 साल तक चलेगी और उसके बाद सेपरेशन होगा और फिर ये आपके पास आएंगे, तो शायद आप उस जगह पर आ जाओगे जबकि आपके ऊपर बनेगा कि आप इनके साथ रहना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि बिल्कुल डिटैच हो जाओगे, ठीक है? ये जो डिटैचमेंट है ना, यही चीज़ इनको वापस लेकर आएगी। देखो ये यहाँ पर मुझे लग रहा है शादी के चांसेस, ठीक है? अगर शादी नहीं हुई, शादी के चांसेस मुझे देखते हैं, शादी हो जाएगी उसके बाद ब्रेकअप होगा, ठीक है, मतलब डिवोर्स होगा। अगर शादीशुदा हैं तो हो सकता है इनका परिवार बने, उसके बाद ही अलग अलग तो इनको होना ही होना है क्योंकि यहाँ पर 10 of Swords है। अगर नहीं होता तो शायद आउटकम कुछ और होता, और इसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा वही चीज़ है ना, किसी को दबा कर रखोगे तो फिर वो और ज़ोरों से निकलता है। ज्वालामुखी ऐसे ही तो फटता है अंदर 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 गर्म होता रहता है और फिर एक दिन फट पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ पर होगी और कुछ नहीं। वैसे इन पर ना इनकी माँ का दबाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं, तो आपसे मैं यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि इनके साथ में आपका फ्यूचर हो तो डिटैच करो आपको, और अपनी हीलिंग करो, और बेहतर होगा इनको फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, ठीक है? ये आपके लिए सबसे पहला मैसेज है। आई थिंक इसीलिए यहाँ पर थिंकिंग मैन का कार्ड आया था कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और ओवर थिंक करने की वजह से ये कनेक्शन अटका हुआ है, वरना फटाफट से हो जाए। अगर ये लिखा हुआ है कि इनकी भाई शादी कहीं और होगी उसके बाद ही वापस आएंगे, तो उसमें भी रोक लग रही है आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, और ये साइकिल चलता चला जा रहा है, कुछ आउटकम निकल ही नहीं रहा। तो आपसे मैं कहूँगी कि जो होना है वो तो होना है, उसको सोचना बंद कर दो, ठीक है? पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ में कौन है? ये आपको लगता होगा कि आपने बहुत सहा है, लेकिन इनकी जो हालत है ना वो मुझे दिख रही है, ठीक है? तो आपसे मैं यही कहूँगी, सी अगर आप इनको चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। वैसे मैं आपसे यही कहूँगी, खुद को प्रायोरिटी दो। अगर आप कि लाइफ में ये वापस आ जाते हैं तो आप इनको स्वीकारो नहीं स्वीकारो आप पर है, वरना आप अपना ट्रू लव जो भी है उसको मैनिफेस्ट करो, ठीक है? अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो आपको इनसे बेहतर लगता है तो आप उसकी तरफ जाएं, किसी का वेट मत करें। मैं किसी को वेट करने के लिए नहीं कहती, ठीक है? बट इनके साथ में है सिचुएशन ऐसी ही। टाइम टू हील मैंने कहा था ना, शांत रहो, ठीक है? अगर इस वाली एनर्जी में हो कि इनको कब सज़ा मिलेगी, ये कब भुगतेंगे, ये कब वापस आएंगे, कब माफ़ी मांगेंगे, आपसे कहा गया है, वो सब मत करो। आप एक हीलर हो, स्टार सीड हो, आपका काम है लेसन लेना, आगे बढ़ना, दूसरों को शिक्षा देना, ना कि किसी से रिवेंज लेना, ठीक है? फिर से वही कहूँगी कि देखो आएंगे तो ये हैं ही इसमें कोई दोहराए नहीं है, आएंगे ये ज़रूर, लेकिन आने से पहले क्या क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है अगर ये मैरिड नहीं है तो इनकी शादी हो जाए, 2 साल तक कनेक्शन चले उसके बाद ये वापस आएं। अगर ये मैरिड है तो हो सकते हैं इनके बच्चे बच्चे हो जाएं, उसके बाद 2 साल तक इनका चलेगा, फिर ये वापस तो ये आएंगे, उसके बाद आप पर निर्भर करता है कि आप इनको एक्सेप्ट करो या आप इनको रिजेक्ट करो। ये सब कुछ हुआ ही आपके ग्रोथ की वजह से है, यूनिवर्स चाहती है कि आप ग्रो करो। स्टार सीड हो ना, उनके रिलेशनशिप का ऐसे ही होता है एक दो रिलेशनशिप्स उनके ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि वो बेहतर तरीके से समझ सकें कि ये जो पर्जिंग होती है ये कैसे होती है, क्लींजिंग होती है तो कैसे होती है, ठीक है? तो ये नॉर्मल है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुद्ध आइडल सेलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं उनकी क्या रीडिंग आती है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले लूँगी कुछ ओरेकल कार्ड्स और उसके बाद फिर रीडिंग टैरो कार्ड से शुरू करूँगी। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। यहाँ से मैं ये इसको यहाँ रख रही हूँ। पीसफुल रेजोल्यूशन पहला कार्ड है आपके लिए। देन यू हैव
एंजाइटी। ओके, सो आपको क्लैरिटी चाहिए, राइट? आप चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम है या तो उसका बेहतर सोल्यूशन मिले, अगर बेहतर सोल्यूशन नहीं है तो क्लैरिटी मिले कम से कम, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप एंजाइटी में हैं और सोचे जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपसे कहा गया है कि एक्शन लीजिएगा, बात कीजिएगा, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, आपके पार्टनर से जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं, किसी काउंसलर से या किसी से भी, किसी हीलर से, किसी गाइड से, क्लियरली बात करें। मन में बातें रखना और ये सोचना कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे बहुत से लोगों के साथ में क्या होता है, जैसे मैं जब बोलती हूँ ना मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो मैनिफेस्ट करते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते और कहते हैं कि हमारा तो काम ही पूरा नहीं हुआ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आपने इस पर एक्शन लिया? नहीं, एक्शन नहीं लिया, मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता हमेशा, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, ठीक है? समटाइम्स हमें एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपसे वही कहा जा रहा है कि अगर आप परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, सोचते रहते हैं और बस सोचते ही हैं, कुछ नहीं करते, तो आपसे कहा गया है कि भाई एक्शन लें, लोगों की हेल्प लें, जिनकी भी हेल्प लेनी है, जिनका आपको ठीक लगे कि हेल्प लेना ठीक है, उनकी हेल्प लें। अगर आप अपने एंजल्स से भी हेल्प चाहते हैं तो उनसे भी अच्छे से कम्युनिकेट करें, ठीक है? उलझी हुई बातें नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि जब आप मैनिफेस्ट भी करते हो तो आपको एक क्लियर मैसेज भेजना होता है, ना कि उलझा उलझा हुआ सा, ठीक है? वरना वैसा ही आउटकम आएगा आपके पास। तो यही आपको कहा जा रहा है कि ज़रूरी है कि एक बेहतर सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का मिले, एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्शन लो, वरना इस तरीके से चिंता करने का कोई फायदा नहीं। अब जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं एक कार्ड और लूंगी। ओके, फूल, लवर्स। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग, वही मुझे लग रहा था। गाइस, प्यार तो बहुत करते हैं ये आपको, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स ना तो बता रहे हैं ना बताना चाहते हैं, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको आपके साथ में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, इनको लगता है कि ये रिस्क है, आपके साथ में आना रिस्क है, ये रिस्की है। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये जो सिचुएशन आई है ना यहाँ पर, ये पहले नहीं थी। या तो ये फैमिलीज की वजह से आई है, आप दोनों के परिवारों की वजह से, या फिर यहाँ पर कोई मेल फिगर है, आपके फादर हो सकते हैं या फिर इनके फादर हो सकते हैं, उनकी वजह से, ठीक है? मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के परिवारों में बात हुई, फाइट हुई और उसके बाद ये हुआ। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लगता है कि इनके पास्ट की वजह से अब ये इतने ज़्यादा कठोर तो नहीं है, लेकिन दिखाते हैं, मतलब इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। हो सकता है पास्ट में इनका ट्रस्ट तोड़ा गया और उसकी वजह से ये ऐसे बन गए, ठीक है? तो आपको लेकर प्यार तो बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि इस पर काम क्या करें। और ये जो इमोशंस हैं ना आपके लिए, ये कहीं ना कहीं इनको पेन दे रहे हैं, ये भी मैं बता दूं, ठीक है? यस, थर्ड पार्टी को लेकर अगर मैं कहूं कि क्या सोचते हैं, तो थर्ड पार्टी का एक तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इनके बचपन के फ्रेंड हो। ओके, एक सोल कनेक्शन उनके साथ में लगता है, सोल कनेक्शन आपके साथ भी लगता है, सोल कनेक्शन उनके साथ भी लगता है। बट वो वही चीज़ है कि यहाँ भी कन्फ्यूज है और वहाँ भी कन्फ्यूज है। हालांकि उस कनेक्शन के लिए मैं इनको काम करते हुए देख रही हूँ, इस कनेक्शन के लिए तो कुछ करते हुए ही नहीं देख रही, उस कनेक्शन के लिए मैं इनको काम करते हुए देख रही हूँ, ठीक है? कि कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या इस कनेक्शन का फ्यूचर है और क्या करना चाहिए। लव इमोशंस दोनों तरफ ही हैं, आपकी तरफ भी और उनकी तरफ भी, लेकिन आपकी तरफ इनको ये लग रहा है कि रिस्क लेना शायद ठीक नहीं है, और इनकी तरफ इनको ये लग रहा है कि रिस्क लेना ठीक है।
अब अगर ये मैरिट हैं तो सीधी सी बात है, ठीक है, अगर मैरिट हैं तो मैं बता दूं कि ये इस कनेक्शन को चलाना चाहते हैं, ये कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते, ठीक है, ये इस कनेक्शन को चलाना चाहते हैं, लेकिन फीलिंग्स आपके लिए भी हैं, तो इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि किसकी तरफ फीलिंग्स ज़्यादा हैं और किसकी तरफ मुझे रहना है, किसकी तरफ मुझे नहीं रहना। अगर इनका कोई बेबी है तो वो भी एक वजह है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में ये एक ब्लॉकेज की तरह काम कर रहा है। ये जो सिचुएशन है ये इस वजह से ऐसी हो गई है, बेबी की वजह से, ठीक है। सो अट्रैक्शन एंड लव आपकी तरफ है, अट्रैक्शन एंड लव उनकी तरफ भी है, उनकी तरफ जिम्मेदारियां हैं, आपकी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सिर्फ एक चीज़ बन जाती है जिसकी वजह से ये बंदा बड़ा ज़्यादा पेन में है, आपको लेकर स्टक है, आपसे आपको भूल नहीं पा रहा, इस कनेक्शन में भी पूरा 100% दे नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है कि इधर 100% दे दे, लेकिन अभी तक तो असफल ही दिख रहा है मुझे। ओके, काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी है ये बंदा और अपने कई सारे सपनों को ये पूरा करना चाहता है, तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ है, ठीक है। अब वो किस तरीके से इनका सपना पूरा करेंगी नो आइडिया, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखता है। आउटकम देखते हैं आपके साथ में क्या है, उनके साथ में क्या है। एम्प्रेस, टू ऑफ वांड्स, मून, टेन ऑफ कप्स। ओके, तो अगर ये मैरिड है तो मैं बता दूं कुछ भी क्लियर नहीं है एक्चुअली। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कई सारे लोगों ने रिसेंटली इनसे शादी करी फैमिली की वजह से, ठीक है, फैमिली ने कहा उधर शादी करो, शादी कर ली इन्होंने। शादी करने के बाद अब इनको ये लग रहा है कि ये क्या हो गया, गलती हो गई, ठीक है, तो इनको अब कोई क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही। अभी आपके पास में आना चाहते हैं, आपके पास आएंगे भी क्योंकि आपके लिए एम्प्रेस एंड टू ऑफ वॉन्स है, तो सीधी सी बात है जो भी आपने मैनिफेस्टेशन या इनर वर्क करा है तो उसका फल आपको मिलेगा, बट हो सकता है 2 साल में ये काम हो, 2 साल से पहले मुझे नहीं दिखता। ओके, और इनके साथ में अगर शादी नहीं हुई है, अगर ये कमिटेड हैं और इनके साथ में अपना फ्यूचर देखते थे, तो अब इनको कोई क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही। देखा इन्होंने और पता है इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इनको लग रहा है कि यही सब कुछ कर रहे हैं, सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे नहीं पता कि इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं है, बट इनको लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा, ये कनेक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। जो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं हुआ ना, वो इक्वल गिव एंड टेक इनको यहाँ पर नहीं मिल रहा। ये रीज़न है जिसकी वजह से आपके साथ में फ्यूचर दिखता है, इनके साथ में नहीं, ठीक है। ये ना चाहते हुए भी, ये मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये चाहते नहीं है कनेक्शन यहाँ बने, लेकिन ना चाहते हुए भी वो एंड होगा और आपके साथ आएंगे। एक चीज़ और कि ट्विन फ्लेम का कार्ड आया था, तो ट्विन फ्लेम अगर आप हो तो सीधी सी बात है आपके ही पास आएंगे, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा हो जाता है समटाइम्स कि शादी वादी किसी और से हो जाए फिर वापस आ जाए, ठीक है, ये भी होता है, क्योंकि आपके लिए भी लवर्स आया था और फिर से यहाँ पर 11 है तो कनेक्शन आपके साथ लगता है, तो हाँ फ्यूचर आपके साथ ही दिखता है, लेकिन इस बीच इस दौरान हो सकता है कुछ भी ऊपर नीचे हो, तो इसके लिए तैयार हो जाओ आप लोग। मैं हमेशा कहती हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो भी होते हैं कि सब कुछ होना लाजमी है, क्योंकि उनका सिर्फ इस दुनिया में आने का मकसद ये नहीं होता कि शादी करें और बच्चे बच्चे हों, उनको काफ़ी सारे लेसन्स दिए जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, या तो आप ये जर्नी ही छोड़ दो, और अगर इस जर्नी में रहना है तो प्रिपेयर रहो, टेक टाइम आउट, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, मैंने कहा था ना ये कनेक्शन ही ऐसा होता है, सरेंडर नाउ, सी मैंने बोला ना सरेंडर कर दो, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, और आपको कहा भी गया है कि समझने की कोशिश भी ना करो, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो, घूमने फिरने जाओ, मस्त रहो एंड ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, सरेंडर करो, जो होना है वो तो होगा ही, अब वो कैसे होगा वो यूनिवर्स जानती है। तो आपसे मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो आप में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होगी कि आप सब कुछ फेस कर लो, उसके लिए तैयार रहो, ठीक है। आपके फेवर में ही आउटकम आया है, फर्स्ट पाइल में भी था, सेकेंड में, थर्ड में भी है, सेकेंड में ऐसा था कि हाँ बंदा आएगा, लेकिन शादी हो नहीं हो वो नहीं पता, वो डिपेंड करता है हमारे व्यूअर पर कि वो उनको चांस दें या ना दें, लेकिन यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर अच्छा खासा फ्यूचर है, ठीक है। सो बेफिक्र रहो, सब कुछ पॉजिटिव है।
और ये आपके लिए गाइडेंस है, सरेंडर कर दें और ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।